हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा, कल की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे डायमेंशन के एप्लीकेशन। मैं कोशिश करूँगा कि आज हम लोगों का जो डायमेंशन का काम है वो फिनिश हो जाए और फिर हम लोग यूनिट स्टार्ट करें, फिर हम लोग यूनिट वाला काम स्टार्ट करें। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास में और क्या-क्या कंसेप्ट हैं पढ़ने के लिए बेटा, ठीक है? इसमें से बहुत सारी प्रॉब्लम तो ऐसी हैं जो मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। अगर मुझे कोई नया क्वेश्चन दिखेगा तो वो मैं आप लोगों को बताना स्टार्ट करूँगा, ठीक है? चलिए, मिल चुका है एक नया क्वेश्चन। हमारे पास में एक छोटा सा पॉइंट है बेटा, नोट पॉइंट। इस नोट पॉइंट का नाम है स्टीफन बोल्ट्ज़मैन, स्टीफन बोल्ट्ज़मैन कांस्टेंट। कई बार इसके बारे में या इसकी डायमेंशन आप लोगों से पूछ ली जाती है। नाम है स्टीफन बोल्ट्ज़मैन कांस्टेंट। कई बार इसकी डायमेंशन आप लोगों से पूछ ली जाती है। सबसे पहली बात तो हम इसे डिनोट करते हैं सिग्मा से। हम इसे जो डिनोट करते हैं ना बेटा, वो हम इसे डिनोट करते हैं सिग्मा से, ठीक है? फॉर्मूला क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। फॉर्मूला होता है एनर्जी, ठीक है? एनर्जी अपॉन एरिया टाइम, और ये होगा टेम्परेचर की पावर 4। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब अगर फॉर्मूला आप लोगों को पता है, फिर तो सवाल को सॉल्व करना आप लोगों के चुटकियों का काम है भैया। आराम से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। चलिए, दोनों तरफ ले लेते हैं डायमेंशन और देखिए कि हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। डायमेंशन ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू, हाँ भैया, एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी हमारे पास में? एनर्जी की डायमेंशन होगी ML2T-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। अपॉन में क्या है? एरिया। एरिया की डायमेंशन होगी L2। टाइम, टाइम की डायमेंशन होगी T। कैपिटल T का मतलब होता है बेटा टेम्परेचर, और टेम्परेचर की डायमेंशन होती है K^4। टेम्परेचर की डायमेंशन होगी के हमारे पास में, तो ये बन चुका है K^4। इन सभी वैल्यूज़ को यहाँ से ले जाते हैं ऊपर। जब इन सभी वैल्यूज़ को हम यहाँ से ऊपर लेकर जाएंगे तो हमारे पास में बनेगा ML2T-2। या हम एक काम करते हैं, जो कैंसिल आउट हो रहा है पहले उसे कैंसिल आउट कर देते हैं। इससे ये कैंसिल आउट हो गया बेटा, टी को ऊपर लेकर जाते हैं तो ये बन चुका है ML2T-3 K^-4। ये बन गया है स्टूडेंट हमारे पास में ML2T-3 K^-4। दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ सिग्मा, जिसका नाम है हमारे पास में बोल्ट्ज़मैन कांस्टेंट, जिसे हम लोग कहेंगे बोल्ट्ज़मैन कांस्टेंट। याद रखना है आप लोगों अच्छे तरीके से, ठीक है? नोट कर लीजिए अपनी कॉपी के अंदर, वीडियो को पॉज करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस तो बहुत हैं यहाँ पर, ठीक है? अब आता है हमारे पास में द एस आई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। भाई हमारे पास में ये है टर्म यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, कैपिटल आर हम लोग इसे बोलते हैं। हमें बतानी है कि इसकी डायमेंशन क्या होगी। आप लोगों ने अगर कभी आज तक इस तरीके की इक्वेशन पढ़ी हो, वैसे नहीं भी पढ़ी है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है। पी यानी प्रेशर, वी यानी वॉल्यूम, एन का मतलब है नंबर ऑफ मोल, आर का मतलब है गैस कांस्टेंट, और टी का मतलब है टेम्परेचर। समझ आ रही है बेटा बात? अब हम लोगों को यहाँ से डायमेंशन निकालनी है कैपिटल आर की। तो कैपिटल आर हमारे पास में निकल कर आएगा PV/NT, ठीक है? अब आप देखिए बेटा, डायमेंशन ऑफ कैपिटल आर इज इक्वल टू पी यानी प्रेशर, और प्रेशर की डायमेंशन होती है हमारे पास में ML-1T-2। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद में है वॉल्यूम। वॉल्यूम की डायमेंशन होती है हमारे पास में L^3। दिस इज द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम की डायमेंशन है L^3। एन, एन का मतलब है मोल, और मोल की डायमेंशन भैया मोल ही होती है हमारे पास में। ध्यान रखिएगा, ये जो एन है ना, मोल, मोल की डायमेंशन मोल ही होती है। और टी का मतलब है टेम्परेचर, टेम्परेचर की डायमेंशन होती है हमारे पास में के। बस अब आप लोगों को इसे सॉल्व कर लेना है और कोई काम नहीं है।
डायमेंशन ऑफ गैस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू एम, देखो यह है एल की पावर माइनस वन और यह है एल की पावर थ्री, तो ये हो गया हमारे पास में एल स्क्वायर, यह है हमारे पास में टी की पावर माइनस टू, यह है हमारे पास में के की पावर माइनस वन और यह है हमारे पास में मोल की पावर माइनस वन। दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ कैपिटल आर, और कैपिटल आर है बेटा हमारे पास में यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, ये फॉर्मूला है। और फॉर्मूले में बाकी सबका मतलब तो आप जानते हैं, एन का मतलब है मोल और वी का मतलब है वॉल्यूम, टी का मतलब है टेम्परेचर और पी का मतलब है प्रेशर, पी का मतलब है बेटा प्रेशर, ठीक है, भूलना नहीं है, अच्छे तरीके से याद रखना है। ये आपकी डायमेंशन निकल कर आएगी यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट की। उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ आई हो, जल्दी से नोट करिए फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अभी हम यूनिट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को इस बात को ना अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। अब देखिए एक प्रॉब्लम बनी हमारे पास में, ये जितने भी क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो आप अच्छे तरीके से एक अच्छी अप्रोच के साथ सभी क्वेश्चंस को ध्यान से सुनेंगे। कैपिटल एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई जेड स्क्वायर, हमारे पास में एक रिलेशन है बेटा और रिलेशन है ये कैपिटल एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई जेड स्क्वायर, ठीक है ओके। अब देखते हैं उसने क्या कहा है, उसने कहा है फाइंड डायमेंशन ऑफ वाई, तो वाई को एक तरफ रखो बाकी सबको इधर ले जाओ। डायमेंशन ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन थ्री जेड स्क्वायर, लो भैया ये बन गई हमारे पास में कंडीशन। यहाँ एक्स वाई जेड को आपको लेंथ नहीं मानना है क्योंकि उसने गिवन दे रखा है आप लोगों को, तो कभी एक्स वाई जेड को आप यहाँ लेंथ मान लो, जब गिवन नहीं होता है तब एक्स वाई जेड को हम लेंथ मानते हैं, लेकिन उसने यहाँ गिवन दे रखा है इसलिए हम एक्स वाई जेड को लेंथ नहीं मानेंगे। ये हमारी वाई की डायमेंशन हो गई है। अब देखते हैं कि एक्स क्या है और जेड क्या है, ठीक है पढ़ते हैं। इफ एक्स एंड जेड आर द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये जो एक्स है ये तो कैपेसिटी की डायमेंशन है। अब आप लोगों को पता नहीं होगा कैपेसिटी क्या होता है, मैं आपके सामने फॉर्मूला लिखता हूँ। और Z है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डायमेंशन, दे रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर। X है कैपेसिटी की डायमेंशन और Z है मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन। तो बेटा पहले आ जाते हैं हम लोग X पर। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमारे पास में होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल। कैपेसिटेंस को उसने कहा है कि X मानना है, यहाँ क्वेश्चन में उसने कहा है कि कैपेसिटेंस को X मानना है। फॉर्मूले पर ध्यान आपको नहीं देना है, फॉर्मूले सब आप लोग सीख जाएंगे, बस तरीके पर ध्यान दीजिए आप लोग। अब आप देखो बेटा चार्ज, ये जो पोटेंशियल है इसका फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज, चार्ज की मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर और ये बन जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन डब्लू। अब अगर हम इसकी डायमेंशन निकालें तो चार्ज की डायमेंशन होगी 80 का होल स्क्वायर और वर्क की डायमेंशन होती है ML2T-2। बेटा याद रखनी है, भूलनी नहीं है बिल्कुल भी। तो हमारी x की जो डायमेंशन निकल गई है वो निकल कर आई है M^-1, जब m ऊपर जाएगा तो M^-1, L^-2, T^-2 ऊपर जाएगा तो T^+4, A^2। लो बेटा ये निकल गई हमारी x की डायमेंशन, और x का जो x है वो कैपेसिटेंस के बराबर है, कैपेसिटी के बराबर है। x का मतलब है कैपेसिटी से, ध्यान रखेंगे बेटा x का मतलब कैपेसिटी से है ओके। अभी एक और बच रहा है हमारे पास में और वो है z, z का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं B से, और क्वेश्चन की लैंग्वेज के मुताबिक मैग्नेटिक फील्ड को z मानना है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन क्यू वी, वी माने वेलोसिटी। अब आप देखिए फोर्स की जो डायमेंशन हमारी होगी वो होगी ML^T-2, चार्ज की डायमेंशन होगी 80 और वेलोसिटी की डायमेंशन होगी L^T-1, ठीक है बेटा। सॉल्व करते हैं, L से L फिनिश, T से T-1 फिनिश, हमारे पास में बचा M
ए टू द पावर माइनस वन टी टू द पावर माइनस टू, ये निकल गई है हमारी डायमेंशन ऑफ जेड। बेटा ये निकल गई है हमारी जेड की डायमेंशन और ये निकल गई है हमारी एक्स की डायमेंशन। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालनी है वाई की डायमेंशन। तो वेरी इजी, बहुत आसान। एक्स की डायमेंशन है आपके पास में ये, उठाकर यहाँ रख दो, एम माइनस वन एल माइनस टू टी टू दी पावर फोर ए टू दी पावर टू। थ्री तो बेटा कांस्टेंट होता है, इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं होती है। अब जेड की डायमेंशन आई है आपकी ये, एम ए टू दी पावर माइनस वन टी टू दी पावर माइनस टू का होल स्क्वायर। मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद इसे सॉल्व करें और सॉल्व करके इन चारों ऑप्शन में से अपने आंसर को मैच करें। आप लोग यहाँ से आप इसे खुद सॉल्व करें, वाई की डायमेंशन आप खुद ब खुद निकालें बेटा यहाँ से, और जो भी आंसर निकल कर आएगा इन तीनों आंसर से आप उसे मैच करें और देखें कि क्या आप लोगों का आंसर बनता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और आगे भी एग्ज़ाम में आ सकता है। आपको सिर्फ अपनी अप्रोच क्लियर करनी है कि किस तरीके से हम प्रॉब्लम के साथ में डील करेंगे, कैसे हम प्रॉब्लम को बनाएंगे, और बाकी रही फॉर्मूलों की बात, वो खुद ब खुद आप लोगों के क्लियर होते जाएंगे बेटा। ठीक है, कर लीजिए आप लोग नोट डाउन, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, देखिए बेटा हमारे पास में है नेक्स्ट ये क्या कंडीशन है, प्रॉब्लम नंबर 9 क्या है हमारे पास में, जरा एक बार हम लोग देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 9 है हमारे पास में ये, डायमेंशंस ऑफ 1/μ0ε0 वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स आर। हमें इसकी डायमेंशन बतानी है क्या होगी, ये जो दिख रहा है ना बेटा, हमें इसकी डायमेंशन बतानी है क्या होगी। बहुत आसान, अगर आपको कंसेप्ट का पता है ना तो चुटकियों में प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बिल्कुल चुटकियों में। कैसे, मैं आपको बताता हूँ भाई, हम लोगों को बतानी है इसकी डायमेंशन 1/μ0ε0। हम 12th क्लास में एक फार्मूला पढ़ते हैं, अभी तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन 12th क्लास में ज़रूर पढ़ेंगे, और वो फार्मूला होता है हमारे पास में ये, यानी ये जो वैल्यू है ये इसके इक्वल है, ये जो वैल्यू है हमारी ये इसके इक्वल है। ये जो सी आपको दिख रहा है बेटा यहाँ पर, इस सी का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट। ये जो सी आपको यहाँ दिख रहा है इसका मतलब है स्पीड ऑफ लाइट। अरे भैया, लाइट की स्पीड हो या साउंड की स्पीड हो या किसी और चीज़ की स्पीड हो, हमें इस बात से मतलब नहीं है, स्पीड तो है ना, स्पीड है या नहीं है, बिल्कुल स्पीड है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट एप्साइलन नॉट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी स्क्वायर, और सी का मतलब यहाँ स्पीड से है और स्पीड की डायमेंशन होती है ये, और इसका करेंगे होल स्क्वायर। सो 1/μ0ε0 इज इक्वल टू, इसकी जो डायमेंशन निकल कर आएगी वो आएगी एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस टू। ये हमारी डायमेंशन निकल कर आएगी बेटा इसकी, यानी इसकी डायमेंशन इसके बराबर होगी और इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। तो करेक्ट आंसर इज एल टू दी पावर टू एंड टी टू दी पावर माइनस टू, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट होगा बेटा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है, ऐसे हम प्रॉब्लम को बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ना एक बात देख रहे होंगे डायमेंशन के अंदर कि फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप डायमेंशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा, विदाउट फॉर्मूला आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सबसे ज़रूरी है हमारे लिए फॉर्मूला। ठीक है बेटा, ओके, याद रखिएगा अच्छे तरीके से। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कंडीशन पर, और देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास में, ध्यान से जरा भाई, हमारे पास में सिचुएशन है ये, ओके हम आपको बताते हैं। इफ एल सी एंड आर डिनोट द इंडक्टेंस, नाम पहली बार सुन रहे होंगे आप लोग, कोई बात नहीं, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ सी स्क्वायर एल आर। हमें ये बताना है कि इसकी डायमेंशन कितनी होने वाली है, सी स्क्वायर एल आर की डायमेंशन कितनी होने वाली है, ये हमें बताना है बेटा। ये हमारी प्रॉब्लम है कि सी स्क्वायर एल आर की डायमेंशन क्या होगी।
मैं आपको अब इस प्रॉब्लम को, अगर मैं इस प्रॉब्लम को थोड़ा बड़े तरीके से करूंगा तो बहुत लंबी प्रॉब्लम बैठेगी और बहुत टाइम लगेगा इस प्रॉब्लम को करने में। हम इस प्रॉब्लम को एक बहुत आसान और एक बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे, हम आपको बताते हैं बेटा। देखिए, जो एल सी होता है, एल सी इसकी जो डायमेंशन होती है, एल सी की जो डायमेंशन होती है वो टाइम के इक्वल होती है बेटा, ध्यान रखिएगा आप लोग। L इंटू सी की जो डायमेंशन होगी वो टाइम के इक्वल होगी। ओके, एक और बात मैं आपको बताता हूँ, जो R अपॉन L होता है, R अपॉन L, इसकी डायमेंशन भी हमारी टाइम के ही इक्वल होती है। एल सी की जो डायमेंशन होगी वो टाइम के इक्वल होगी, R अपॉन L की जो डायमेंशन होगी वो भी T के इक्वल होगी। अब हमें कुछ भी करके इस फॉर्मूले को ऐसा बनाना है, ऐसा कैसे बनाएंगे ज़रा ध्यान से देखिएगा। हमने एक काम किया, L से यहाँ मल्टीप्लाई करी तो ये बन गया L स्क्वायर, और L से यहाँ मल्टीप्लाई करी तो ये हो गया ऐसा। बताओ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? L से ऊपर मल्टीप्लाई करी और L से नीचे डिवाइड किया, ऐसी कंडीशन बनाने के लिए। अब आप देखो बेटा, ये बन चुका है हमारे पास में सी स्क्वायर एल स्क्वायर, यानी मैं इसे लिख सकता हूँ एल सी का होल स्क्वायर, और इसे हम लोग लिख सकते हैं R अपॉन L, इसे हम लोग लिख सकते हैं R अपॉन L। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। अब आप देखिए, एल सी की डायमेंशन क्या है भाई हमारे पास में, L इंटू सी की डायमेंशन है T, तो ये हो गया T स्क्वायर। R अपॉन L की डायमेंशन क्या है, R अपॉन L की जो डायमेंशन है हमारे पास में वो भी है T, तो ये बन गया हमारे पास में T। T स्क्वायर की मल्टीप्लाई T में करेंगे तो ये हो गया हमारे पास में T to the power 3। अब इन चारों ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन देखिए जहाँ T की पावर 3 हो। देखो बेटा, यहाँ M की पावर 0 हटाओ, L की पावर 0 हटाओ, I की पावर 0 हटाओ, T की पावर 3, यानी यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इस तरीके से हम प्रॉब्लम बनाएंगे। ये जो दो नई बात आपको सीखने के लिए मिली है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एल सी की जो डायमेंशन है वो भी टी के इक्वल है, आर अपॉन एल की जो डायमेंशन है वो भी आप लोगों की टी के इक्वल है। ऐसे हम लोग प्रॉब्लम बनाने वाले हैं, करिए बेटा नोट डाउन, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 11, इस तरीके की प्रॉब्लम मैं ऑलरेडी आप लोगों को करा चुका हूं, तो मुझे उम्मीद है कि ऐसा क्वेश्चन आप लोग खुद से बना लेंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये दे रखा है बेटा आप लोगों को, देखो ध्यान से। अब क्वेश्चन नंबर 12 को हम कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर 12 है, x इज इक्वल टू v नॉट डिवाइडेड बाय अल्फा 1 माइनस e की पावर माइनस के अल्फा t। बताओ ये प्रॉब्लम है या नहीं? अब आप ये देखो बेटा, इस पूरे ब्रैकेट में ये तो लिखा हुआ है 1 और ये लिखा हुआ है e की पावर का फंक्शन, यानी ये जो पूरा ब्रैकेट है आपके सामने ये होने वाला है डायमेंशन लेस। ये पूरा ब्रैकेट आपके सामने डायमेंशन लेस होने वाला है, और अगर ये पूरा ब्रैकेट आपके पास में डायमेंशन लेस हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि भाई x की जो वैल्यू है हमारी वो v नॉट अपॉन अल्फा के बराबर हो गई। x v नॉट अपॉन अल्फा के बराबर हो गया, हम ये कह सकते हैं x की जो डायमेंशन है वो v नॉट अपॉन अल्फा की डायमेंशन के बराबर हो गई। अच्छा, एक चीज़ तो हमारी बन गई है, दूसरी चीज़ ये आई है। मैंने आपसे कहा था e की पावर में जो फंक्शन होता है वो डायमेंशन लेस होता है, यानी अल्फा इंटू टी ये होने वाला है हमारा डायमेंशन लेस, ये होने वाला है हमारा डायमेंशन लेस। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकल कर आएगी 1 अपॉन टी,
और 1 अपॉन टी को हम लिख सकते हैं टी की पावर माइनस 1। अल्फा की डायमेंशन हमारी बन चुकी है टी माइनस 1। अल्फा को उठाकर हम यहाँ पुट करेंगे। देखो बेटा, एक्स की डायमेंशन होती है एल, अल्फा की मल्टीप्लाई इस तरफ कर देंगे तो ये हो जाएगा टी माइनस 1। तो वी नॉट की जो डायमेंशन हमारी निकलेगी वो निकलेगी एल टी माइनस 1, और अल्फा की जो डायमेंशन हमारी निकली है वो निकली है टी माइनस 1। इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका होगा। ऐसा क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है और कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी हम ऐसी प्रॉब्लम बना भी चुके हैं तो आपको ज़्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए। ठीक है, कर लीजिए नोट डाउन, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ओके, देखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एक्स इन द इक्वेशन, फोर्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन डेंसिटी। बहुत ही आसान है, आपको एक्स की डायमेंशन निकालनी है। फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस 2, डेंसिटी की डायमेंशन होती है एम एल माइनस 3। डेंसिटी की मल्टीप्लाई इस तरफ कर दीजिएगा, एक्स की डायमेंशन आप लोगों की निकल जाएगी। ईजी प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, आप कर सकते हैं अपने आप से। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर बेटा। ये 14 जो प्रॉब्लम है ये है अच्छी प्रॉब्लम, 14 प्रॉब्लम बढ़िया प्रॉब्लम है, इसे देखना है आपको बहुत ध्यान से बेटा। 14 प्रॉब्लम बहुत अच्छी प्रॉब्लम है और इसे हमें बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। क्या है 14 प्रॉब्लम, आइए समझते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल, ये जो n है ये है नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू x एक्सिस इन यूनिट टाइम। यानी ये जो स्मॉल n आपको दिख रहा है ना बेटा, ये नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एरिया इंटू टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत ध्यान से, स्मॉल n का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल यानी कैपिटल n क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय एरिया इन यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। ये स्मॉल n इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज इक्वल टू माइनस के d। ठीक है बेटा, अब आप देखो, वेयर n1 एंड n2 आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यानी ये जो n2 और n1 है ये नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने अलग से माइनस माइनस करके नहीं लिखा क्योंकि आप जानते हो n2 और n1 के बीच में माइनस है, तो जो डायमेंशन n2 की होगी बिल्कुल वही n1 की होगी, तो दोनों को लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक को ले लो, चाहे n2 को ले लो चाहे n1 को ले लो। मैंने ये लिख दिया नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन वॉल्यूम। ठीक है बेटा, दोनों को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। x2 माइनस x1 दोनों को लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, एक लिख दो, वो लिख दिया मैंने यहाँ पर x। समझ आ रही है बात। हमें बताना है फाइंड द डायमेंशन ऑफ कैपिटल D। भाई n से n कैंसिल आउट हो गया हमारा, तो D की वैल्यू देखो क्या निकल कर आएगी। इधर बचा हमारे पास में 1/80 इज इक्वल टू D अपॉन वॉल्यूम, साथ में है x, तो कैपिटल D निकल गया वॉल्यूम इंटू एक्स अपॉन एरिया इंटू टाइम। वॉल्यूम की जो डायमेंशन होगी वो होगी L की पावर 3, x की जो डायमेंशन होगी वो होगी L, एरिए की डायमेंशन होगी L स्क्वायर, टाइम की डायमेंशन होगी T। समझ आ रही है बात। L स्क्वायर से ये L और ये कैंसिल आउट। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ बचा L स्क्वायर, T को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये बन गया हमारे पास में L स्क्वायर T माइनस 1। लास्ट ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट होगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ऐसे हम प्रॉब्लम को बनाएंगे। इस क्वेश्चन में समझने वाली बात क्या थी, एक तो समझने वाली बात ये थी कि स्मॉल n का मतलब क्या है। स्मॉल n का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। समझ आ रही है बेटा बात। n1 और n2 का मतलब क्या है, n1 और n2 का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आ रही बात। तो n2 और n1 दोनों को लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों के बीच में माइनस है, दोनों की डायमेंशन सेम होगी, दोनों में से किसी एक को ले लो। ऐसे ही नीचे x2 माइनस x1, दोनों को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने x2 माइनस x1 को सिर्फ x लिख दिया यहाँ पर। समझ में आ रही बात। बस फिर यहाँ से हमने कैपिटल D की डायमेंशन बना दी, ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया बेटा।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा इस प्रॉब्लम को, कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये प्रॉब्लम पूछी जा चुकी है, ठीक है, करिए नोट आउट। ओके स्टूडेंट, अब देखिए बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास में। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है हमारे पास में वो ये है, कैपिटल ई, कैपिटल ई है एनर्जी, एम, एम है मास, एल, एल है एंगुलर मोमेंटम, कैपिटल जी, कैपिटल जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो मैं इन सब की पहले डायमेंशन आपके सामने लिख देता हूँ। कैपिटल ई यानी एनर्जी, एम एल टू टी माइनस टू, एम, एम यानी मास, मास की डायमेंशन हो गई कैपिटल एम, स्मॉल एल एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन होती है भाई हमारे पास में एम एल टू टी माइनस वन, कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी डायमेंशन होगी एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। लो बेटा ये कैपिटल जी है, ये एंगुलर मोमेंटम है, ये मास है और ये एनर्जी है, हमें चार टर्म दे रखे हैं और चारों की डायमेंशन है हमारे पास में। ये इतना तो यार याद ही होना चाहिए, एनर्जी की डायमेंशन क्या है, मास की क्या है, एंगुलर मोमेंटम की क्या है, कैपिटल जी यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की क्या है। हमें बताना है कि इसकी डायमेंशन क्या होने वाली है, यानी ये इन चारों में से किसे रिप्रेजेंट करेगा, हमें ये बताना है कि ये इन चारों में से किसे रिप्रेजेंट करेगा। चलिए एक काम करते हैं, इस पूरी वैल्यू में इन सब की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं और देखते हैं कि फाइनल आंसर क्या आएगा। कैपिटल ई यानी एनर्जी, एम एल टू टी माइनस टू, एल, एल है आपके पास में एम एल टू टी माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन एम की पावर फाइव, और कैपिटल जी है एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। चलिए सॉल्व करते हैं, जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना बेटा तो सब से सब कैंसिल आउट हो जाएगा, सब कैंसिल आउट हो गया, अगर सब से सब कैंसिल आउट हो गया यानी ये पूरी क्वांटिटी आ गई हमारी डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस का मतलब है m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। आप सॉल्व करके देख ले, इन सब से ये सब कैंसिल आउट हो गया, ये क्वांटिटी आ गई हमारी डायमेंशन लेस। ओके, डायमेंशन लेस आ गया, ये पूरी क्वांटिटी कट फट गया सबसे, कुछ नहीं बचा आखिर में। अब चार ऑप्शन है हमारे पास में, टाइम, भाई टाइम की तो डायमेंशन होती है टी, कि टाइम डायमेंशन लेस होगा, नहीं तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। मास, क्या मास की डायमेंशन होती है, बिल्कुल मास की डायमेंशन होती है, क्या ये करेक्ट होगा, नहीं। लेंथ, क्या लेंथ की डायमेंशन होती है, बिल्कुल होती है, लेंथ की डायमेंशन तो एल होती है, तो ये भी करेक्ट नहीं होगा। तो एक बचा हमारे पास में और वो क्या है, एंगल, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती बेटा, एंगल डायमेंशन लेस होता है, तो करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास में एंगल, फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट होने वाला है। उम्मीद करेंगे कि प्रॉब्लम आप लोगों को समझ आई हो बेटा, ठीक है, कर लीजिए नोट डाउन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखो बेटा कैसे करेंगे हम प्रॉब्लम को सॉल्व, एक क्वेश्चन है हमारे पास में ये, द डायमेंशन ऑफ हाफ एप्साइलन नॉट ई स्क्वायर, हमें बताना है कि इसकी डायमेंशन क्या होने वाली है। अब ये जो वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है ना बेटा, हाफ एप्साइलन नॉट ई स्क्वायर, इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है, एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है, इस वैल्यू को हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। अब आप ये देखिए कि एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या है, एनर्जी डेंसिटी का मतलब है कि आपको एनर्जी को उठाकर डिवाइड करना है वॉल्यूम से, एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड करना है। तो बेटा हम क्या लिख पाएंगे, हम लिख पाएंगे हाफ एप्साइलन नॉट ई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी जो डायमेंशन होगी, एनर्जी की डायमेंशन बताइए कितनी होने वाली है हमारे पास में, एम एल टू टी माइनस टू, वॉल्यूम की डायमेंशन कितनी होने वाली है, एल की पावर थ्री, इससे ये कैंसिल आउट,
तो करेक्ट आंसर बन गया है हमारे पास में ml माइनस वन टी माइनस टू। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी। ये होगी बेटा हमारी एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन। करेक्ट आंसर आप यहाँ से कर सकते हैं मैच। बड़े आसानी से आप लोगों की प्रॉब्लम यहाँ से निकल जाएगी, कोई बहुत ज़्यादा समस्या आप लोगों को नहीं होगी। ओके, इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हमारे पास में क्या है। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास में, ये बड़ा अच्छा सवाल है यार, कैसे करेंगे भाई। ये है हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड और ये है हमारे पास में राइट हैंड साइड, और अगर इनके बीच में इक्वल टू का साइन है, इनके बीच में यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, तो हम ये कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ एल एच एस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर एच एस। हम ये कह सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन होगी वो राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर होगी। हम ये कह सकते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा अगर बीच में इक्वल टू का साइन है तो। अब देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन क्या होगी। ये जो साइन इनवर्स का टर्म लिखा हुआ है इतना, आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है डायमेंशन लेस, और उसके साथ जो ब्रैकेट में लिखा रहता है वो भी होता है डायमेंशन लेस, यानी x अपॉन ए भी हमारा क्या होगा, डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस। अब यहां से जो हमारी a की डायमेंशन निकल कर आएगी वो आएगी x की डायमेंशन के बराबर, और बेटा x का मतलब होता है लेंथ से, तो a की डायमेंशन निकल गई लेंथ। अब आप देखो इस पूरे को तो आपको डायमेंशन लेस बोल दिया, आपने इस पूरे को तो डायमेंशन लेस बोल दिया, ए की डायमेंशन आ गई लेंथ के बराबर, तो इस ए की पावर एन को हम लिख पाएंगे एल टू दी पावर एन। लो भैया राइट हैंड साइड की डायमेंशन बन गई हमारी एल की पावर एन। अब आते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड पर, इंटीग्रेशन के साइन को हटा दो, इंटीग्रेशन के साइन की कोई डायमेंशन नहीं होगी। ये जो डी एक्स आपको दिख रहा है बेटा, ये रिप्रेजेंट करता है लेंथ को, ठीक है। ए की डायमेंशन जस्ट अभी मैंने निकाली लेंथ, एक्स की डायमेंशन होगी लेंथ, ये हो जाएगा एल स्क्वायर। अब इसकी डायमेंशन भी एल स्क्वायर और इसकी डायमेंशन भी एल स्क्वायर, और बीच में है माइनस, तो दोनों को लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक को ले लो, और इसकी होल पावर हो गई हमारे पास में वन बाय टू, ठीक है। इस टू से ये टू कैंसिल आउट, इस एल से ये कैंसिल आउट, तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन आ गई एल की पावर ज़ीरो, और यहाँ की डायमेंशन बन गई एल की पावर एन। तो जब दोनों को हम कंपेयर कराएंगे तो n की वैल्यू यहां से निकल कर आएगी बेटा जीरो के बराबर। सो करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, ये आंसर हमारा करेक्ट होगा। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बच्चे इस क्वेश्चन को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इतना मुश्किल इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे विद द यूज ऑफ डायमेंशन। जो डायमेंशन इसकी होगी इक्वल टू के बाद वही डायमेंशन इसकी होगी, दोनों की डायमेंशन निकालो, इक्वल रखो, कंपेयर करो, आंसर निकाल दो। बड़ी आसान प्रॉब्लम है, इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को बनाएंगे। उम्मीद है कि बात समझ आई होगी आप लोगों को। अब देखते हैं बेटा हम एक और प्रॉब्लम। देखिए जस्ट हमारे पास में जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो ये है। आप देखिए प्रॉब्लम हमें क्या दे रखी है। प्रॉब्लम है यू इज इक्वल टू ए अंडर रूट एक्स अपॉन b प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखो भाई जो ये b है ये एक्स स्क्वायर है और बीच में प्लस है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो डायमेंशन b की होगी बिल्कुल वही डायमेंशन होगी एक्स स्क्वायर की, और x का मतलब होता है लेंथ से, तो b की डायमेंशन निकल गई हमारी लेंथ स्क्वायर। लीजिए साहब b की डायमेंशन हमारी निकल चुकी है एल स्क्वायर। अब हम बढ़ते हैं आगे। U यानी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भैया एनर्जी चाहे कोई भी हो सबकी डायमेंशन सेम होती है, और एनर्जी की डायमेंशन होती है ये ml2 t माइनस टू इज इक्वल टू। देखो बेटा यहाँ है मेरे पास में a, यहाँ है मेरे पास में अंडर रूट x, x का मतलब होता है l, और ये हो गया l की पावर 1 बाय टू। समझ आ रही है बात। अब देखो b की डायमेंशन क्या है एल स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर के डायमेंशन भी क्या है, एल स्क्वायर, ये भी एल स्क्वायर, ये भी एल स्क्वायर और बीच में प्लस, तो दोनों को लेने की ज़रूरत नहीं है, एक एल स्क्वायर ले लीजिए, यहाँ पर ले लिया एक एल स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ए की डायमेंशन हमारी यहाँ से निकल कर आएगी, डायमेंशन ऑफ ए निकल कर आएगी बेटा हमारी यहाँ से एम, एल की पावर 7/2 एंड टी की पावर -2, ये निकल कर आएगी बेटा हमारी यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे, डायमेंशन ऑफ ए ये निकल गई है ए की डायमेंशन, और बी है हमारे पास में एल स्क्वायर, बी है हमारे पास में एल स्क्वायर, हमें बतानी है डायमेंशन ऑफ ए बी, ए इंटू बी की डायमेंशन बतानी है, तो ए हो गया हमारे पास में एम, एल की पावर 7/2, टी की पावर -2, और ये हो गया हमारे पास में एल स्क्वायर। सो करेक्ट आंसर बनेगा हमारे पास में एम, एल की पावर 11/2 और ये हो गया टी की पावर -2। देख लीजिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या आपके पास में? हाँ भैया है, बी ऑप्शन है हमारे पास में, तो करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास में बी, क्योंकि हमें डायमेंशन बतानी है ए इंटू बी की, खाली ए और खाली बी की डायमेंशन नहीं बतानी है, ए इंटू बी की डायमेंशन बतानी है, और ए इंटू बी की डायमेंशन हम निकालेंगे कुछ इस तरीके से। उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ आ गई होगी बेटा, ठीक है। चलिए ये प्रॉब्लम हमने आपको बता दी है, अब आते हैं हम लोग प्रॉब्लम नंबर 20 पर। प्रॉब्लम नंबर 20 देखते हैं बेटा क्या है हमारे पास में। ए फिजिकल क्वांटिटी पी जिसकी वैल्यू है हमारे पास में बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम, ठीक है, तो पी की डायमेंशन हमें बतानी है क्या होगी। आसान है, डायमेंशन ऑफ पी इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम। भाई ये है हमारे पास है बेटा, समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। अब आप देखिए कि हम पी की डायमेंशन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बी मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन हमें निकालनी है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन क्यू वी। अब फोर्स की डायमेंशन है हमारे पास में MLT-2, चार्ज की डायमेंशन है हमारे पास में IT, ठीक है, और वेलोसिटी की डायमेंशन है LT-1। देखो चार्ज की डायमेंशन को हम कई बार AT भी लिख देते हैं और IT भी लिख देते हैं, तो घबराना नहीं है इससे बिल्कुल भी। क्या वैल्यू निकल कर आएगी, L से ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो B की डायमेंशन बन गई हमारी MT-2 I-1 का होल स्क्वायर, लेंथ की डायमेंशन बन गई हमारी एल स्क्वायर और अपॉन एम बन गया हमारा यहाँ पर। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी यहाँ से पी की डायमेंशन निकल जाएगी। आप लोग चेक कर लीजिएगा कि कौन सा आंसर आप लोगों को करेक्ट यहाँ से निकल कर आएगा। आप लोग चेक करेंगे कि कौन सा आंसर आप लोगों को यहाँ से आने वाला है बेटा, ठीक है, करिए जल्दी से नोट डाउन, फिर बढ़ेंगे हम लोग आगे। तो बेटा आज की क्लास में हमने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, मुझे लगता है कि आज इतने क्वेश्चन बहुत हैं, क्योंकि आप लोगों को ये नोट भी करना है, क्वेश्चन भी नोट डाउन करना है, तो काफ़ी लंबा काम हो जाएगा आप लोगों के पास में। अब देखो बेटा फिजिक्स पढ़ने के लिए अगर मैं आपने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों को बताऊँ तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है प्रैक्टिस की। जितना आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर तरीके से आप कंसेप्ट को और फॉर्मूलाज को किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम आपसे रेगुलर कांटेक्ट में बने हुए हैं, डेली आपके पास में कॉल आती है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है किसी भी कंसेप्ट में तो मेरा सीधा नंबर आपके पास में मौजूद है, आप मेरे पास में कॉल करिए और अपनी एक एक प्रॉब्लम को डिस्कस करिए, ठीक है बेटा, या जब ऑफिस से आपके पास में कॉल जाती है तो उसमें आप अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करिए। लेकिन जितना मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया है मुझे हर एक बच्चे का एक एक क्वेश्चन होमवर्क कॉपी में चाहिए और वो होमवर्क मेरे पास में पहुंचना चाहिए बेटा, बिल्कुल वो होमवर्क मेरे पास में पहुंचना चाहिए, नहीं तो मैं आप लोगों के पेरेंट्स से कांटेक्ट करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है।
आप लोगों का काम यह है, अच्छे तरीके से नोट करिए, समझिए, कल बात करेंगे हम आगे की।